चिकित्सकों की अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू, मरीजों की फजीहत। कलेक्टर बोले, हम संपर्क में हैं, इमरजेंसी सेवाएं नहीं होंगी प्रभावित। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे चिकित्सकों की आज से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू हो गई है। चिकित्सकों की हड़ताल का असर जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक देखा गया है। कुल मिलाकर चिकित्सकों की हड़ताल से जहां मरीजों की फजीहत हुई, तो वहीं ये स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गईं। हालांकि कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल पर हमारी नज़र है, अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में हैं। हम वहीं आयुष संविदा और दंत चिकित्सकों को ओपीडी में बैठाया गया ताकि ओपीडी में पहुँचने वाले मरीजों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जिला अस्पताल व अन्य अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इधर हड़ताल पर बैठे शासकीय चिकित्सक अस्पताल परिसर में तंबू लगाकर धरने पर डटे रहे। कई मरीज तो चिकित्सकों के इंतजार में उनके चैम्बरों के बाहर बैठे रहे। इसके अलावा सर्जरी भी टालनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि सरकारी चिकित्सक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को यथावत लागू करने की मांग पर अड़े हैं। 31 मार्च को सर्वसम्मति से ये रिपोर्ट पेश की गई थी। चिकित्सक ऐसी बात का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 1 मई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। 2 मई को 2 घंटे की हड़ताल थी, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर चिकित्सकों ने आज से अपनी सुनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आधी रात सीएम के बीसी कलेक्टर और सीएमएचओ को दिए निर्देश। चिकित्सकों की हड़ताल को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधी रात को कलेक्टर और सीएमएचओ के साथ बीसी का निर्देश दिए कि चिकित्सकों की हड़ताल का असर आपातकालीन स्थिति और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार पर नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। सीएम ने कहा कि आपातकाल स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, वहीं आवश्यक तैयारी करने के निर्देश भी सीएम ने दिए। हड़ताल भी चल रही है, सीएम ने भी उस पर बीसी की है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से? पहले जैसे कि आपको बता होगा, अभी एक थोड़ा सूचना मिला है कि जो थोड़े डॉक्टर्स हैं जो अभी सर्टन मांगों को लेते हुए हड़ताल पर हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेटिव व्यवस्था हमने करके रखा है। एंड जो हमारे अल्टरनेटिव डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं। लगातार हम लोग उनके साथ संपर्क में भी हैं। इमरजेंसी सर्विसेज बाधित ना हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और जैसे जो भी निर्देश ऊपर से आएंगे उसके अनुसार। सर, बेमौसम